जैसा कि देख रहे हैं आप, ये वेरना है, फ्लूडिक है, 2011 का मॉडल है, पेट्रोल कार है। हम इसका डैशबोर्ड खोलने जा रहे हैं क्योंकि इसका इवेपोरेटर कॉइल चोक हो चुका है, इसके वजह से कूलिंग कम हो रहा है। इसकी वजह से हम इसका डैशबोर्ड खोलने जा रहे हैं। आप देख पा रहे हैं, देख रहे हैं, हम इसका डैशबोर्ड खोलेंगे। तो चलो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये कंसोल बॉक्स खोलेंगे, ग्लो बॉक्स खोलेंगे, छोटा छोटा सब खोलते हैं, फिर आपको आगे दिखाएंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमने इसका कंसोल बॉक्स खोल चुका और ये रही, इसको यहाँ 2 10 नंबर रहता है और साइड में क्लिप रहती है, ये साइड में भी क्लिप है, तो क्लिप निकाल दिया, ये इजीली बाहर आ जाता है। और ये रही एक लाइटर का और यूएसबी केबल का सॉकेट है, हम इसको खोलते हैं फिर, खोल के फिर। हेलो दोस्तों, जैसा कि देख रहे हैं आप, मैंने काफ़ी सारा चीज़ खोल दिया, साइड का पैनल खोल दिया, ये साइड का पैनल खोल दिया हूँ, और इधर रही 12 नंबर, ये वाली 12 नंबर, ये वाली 12 नंबर, ये रही 10 नंबर, और ये भी खोलना पड़ेगा। उसके बाद ये जो सॉकेट दिख रही है, ये वाली सॉकेट और ये वाली सॉकेट भी खोलना पड़ेगा, ये नीचे ये वाली सॉकेट खोलना पड़ेगा, और इसके अंदर ये वाली सॉकेट भी खोलना पड़ेगा आपको। उसके बाद पावर स्टेयरिंग का ये वाली सॉकेट खोलना पड़ेगा, ये नहीं खोलना पड़ेगा आपको। और उसके बाद यहाँ का स्टेयरिंग रैक के पास का ये 12 नंबर, ये 10 नंबर। फिर आगे देख लेते हैं, इधर का देख लेते हैं, ये वाली 10 नंबर खोलना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ के लोड के नीचे जो सपोर्ट के लिए दिया है, ये वाली 10 नंबर, उसके बाद ये वाली सॉकेट, उसके बाद इस साइड का 10 नंबर सब खोलना पड़ेगा। साइड पैनल खोल दिया हूँ मैं, और बाकी ये गियर बॉक्स को खोल के ये पल्टी मारना पड़ेगा। उसके बाद ये वाली सॉकेट भी खोलना पड़ेगा, ये अर्थिंग का भी खोलना पड़ेगा आपको। बाकी सब अंदर का सब कुछ खुल चुका है, अब हम बाहर दिखा देता हूँ आपको बाहर क्या खोलना पड़ेगा। बाहर ये 2 12 नंबर जो दिख रहा है, ये 2 12 नंबर खोलना पड़ेगा कॉल पैनल खोलने के बाद। उसके बाद कॉल पैनल खोलने के बाद ये 12 2 नंबर खोल देंगे। उसके बाद कूलिंग कॉइल के पास का जॉइंट खोलना पड़ेगा, और ये हीटर पाइप, ये सब खोल करके इजीली आपका डैशबोर्ड बाहर आ जाएगा। फाइनली हम इसका सब कुछ खोल चुके हैं, अब हम इसको सिर्फ पल्टी मारेंगे। बाकी सब कुछ खुल चुका है, बस अब हम इसको पल्टी मार के सीट के ऊपर होल्ड करेंगे। मैं इसका डैशबोर्ड खोल चुका, पूरा बाहर निकाल चुका हूँ, और आपको दिखा देता हूँ बाहर लेके इसका डैशबोर्ड बाहर। ये रही इसका डैशबोर्ड, हमने खोल के रखा है, इसका खोल के पल्टी मार के बाहर रखे हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं।